वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। ने कहा कि आज का दिन जो है ये आज जवाहरलाल नेहरू जी अनजानी रहा, जवाहरलाल नेहरू जो साहब के हमारा साहब का प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, जिन्होंने यहाँ इस मुल्क के तरक्की की बाग दौड़ संभाली, और इस वक्त जो आप अपना मुल्क देखते हो ये मुल्क इसी वजह से तरक्की की राह पर है क्योंकि इसकी दाग बेल जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, और उसी की वजह से आज साइंस टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क बहुत आगे है, सियासत में भी बहुत आगे है। उन नॉन अलाइनमेंट उन्होंने उस उनका जो कंसेप्ट दिया था वो उनका था, वो बहुत कामयाब रहा, और इस वजह से हम आज जो यहाँ बैठे हैं आज हम अहद करते हैं कि आप उनकी दिखाई हुई राह पर हम सियासत में आगे चले और ये इस मुल्क और तरक्की करे और आगे बढ़े। देखिए इनका जो देखिए इन्होंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बताया है प्राइम मिनिस्टर ने भी और होम मिनिस्टर ने भी कि यहाँ स्टेटहुड भी आएगा और इलेक्शन भी होएंगे। मेरी गुजारिश पार्टी की तरफ से ये होगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ जल्द से जल्द स्टेटहुड हमें वापस दें और इलेक्शन करें। अब ये कहते हैं इन पर भरोसा नहीं है, पार्लियामेंट में कहते हैं आज तक तो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए, पहले तो स्टेटहुड दे दें, दैट इज़ विद इन देयर कॉम्पिटेंस, लेट देम इशू, वो ऑर्डर कर लें कि भाई यहाँ स्टेटहुड वापस किया जाता है, उसमें तो कोई परेशानी नहीं, पहले स्टेटहुड और इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा, ये हमारा मुतालबा है, उसके बाद इलेक्शन। यस देखिए स्टेटहुड के बगैर इलेक्शन ना कुछ माने खेज तो है नहीं, आप दिल्ली का तो देख रहे हो हालत क्या है केजरीवाल जी की, वो तो जेल में पड़ा था बेचारा, तो ये हालत तो आपने देखी होगी, तो हम चाहते हैं स्टेटहुड आ जाए और उसके बाद यहाँ इलेक्शन हो। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।